देश भर में लोग जाते उमहा सा नहीं है जैसे उत्सुकता होती थी कि इलेक्शन है वोट डालने जाएंगे, तो है भी वो किसी भी पार्टी में रुझान नहीं लग रहे लोगों के। ये एक एक फॉर्मेलिटी है कि भाई वोट डालने तो कर ही आएंगे, जैसे लोग हताश से हो गए हो पॉलिटिकल सिस्टम से कि वोट भी डाल रहे फिर भी सरकार अपनी मनमर्जी करती है और जनता का कुछ नहीं है, इस तरह का लग रहा है। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक में दोनों का दावा है कि 100% वोट से उनकी जीत होगी। अच्छा, जो चुनाव लड़ रहा है वो तो जीत की गारंटी पर लड़ रहा, अगर किसी को यह जाकर भाई मैं जीत नहीं रहा तो फिर मजबूती से चुनाव लड़ेगा नहीं, ना वो पैसा खर्च करेगा, सब आप अपने दावे करते हैं, अब देखते हैं कि जनता किस वोट करती है। तो आपके हिसाब से दोनों में से किस तरह हम इस चीज से अच्छा पिछले सालों का अगर हम काम देखें, जैसे संजीव बालियान का दावा है कि बहुत विकास करा है उन्होंने मुजफ्फरनगर में, ऐसा है ना जिसकी सरकार रहती है काम सरकारें करती है तो वो अपने वादे सभी करेंगे, भाई उनकी सरकार रही हो तो उसका गिनवाएंगे, इनकी नहीं रही तो किसका गिनवाएंगे, सबके अपने अपने होते हैं। और अब के चुनाव ज्यादातर धार्मिक वाद से अटके, कैंडिडेट कौन है उसकी बैकग्राउंड क्या है और जाति पे ज्यादा चुनाव हो रहे हैं अब की बार, ये बहुत दिन बाद मैंने देखा कि जातियों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि बीजेपी को 400 से ऊपर सीटें आएंगी। नहीं, बोर्ड लगे देखिए मैंने वहां ना प्रधानमंत्री का नाम लिख रहा वहां, ना नरेंद्र मोदी का नाम लिख रहा वहां, मोदी का नाम लिखा हुआ, ये मोदी कौन है, इसके नाम की कोई आइडेंटिटी है देश में? अब इतनी बड़ी देश की जिम्मेदारी कोई एक आदमी अननोन आदमी एक नाम लिखकर वो ले ले, कौन गारंटी लेगा? अब मोदी की क्या गारंटी है, कौन है मोदी? तो कोई हो कोई जानता हो तो मोदी की गारंटी, भाई उस नाम की कोई आइडेंटिटी देश में है, या तो फुल पूरा नाम लिखे कि भाई ये है जिस आदमी की देश में आईडी बनी हुई हो और उसके दो गारंटर हो, तो जब तो गारंटी दे सकता है देश की, अब ये तो हमें फर्जी बाड़ा सा ज्यादा लगेगा। अगर हम बात करें जो किसानों को वादे दिए गए थे सरकार के, क्या आपको लगता है वो पूरे करे गए हैं, चाहे वो एमएसपी हो या फिर गन्नों के दाम हो या अन्य चीजों के फलों के दाम हो? किसान भी तंग है, देश में नौजवान भी तंग है, बेरोजगारी की बहुत बुरी स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है, ये तो आंदोलन अगर होते रहेंगे तो कुछ काम हो सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से एक किस्म से देश का विश्वास सा उठ गया, कोई काम नहीं हुए। ऑपोजिशन और मतलब इंडिया अलायंस लगातार बीजेपी को पीएम मोदी को अक्यूज कर रही है कि अगर ईवीएम में खराबी होगी तभी वो जीतेंगे वरना उनको 150 या 180 से ऊपर सीटें नहीं मिलेंगी। अब कुछ न कुछ तो बात होगी, भाई कौन आदमी कह सकता है कि हम इतने जीत जाएंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, या जनता पर छोड़ दो तो चुनाव आ जाएगा, जिसकी जीत हो जाएगी जिसको वोट पड़ जाएगी आ जाएगी। और अगर 400 से ज्यादा आ रही है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही देश में नहीं है, फिर तो इसका सीधा रिन्यूअल करो, क्यों काम का खर्चा करवा रहे हैं? ऐसे कुछ मुद्दे जिनको नजर में रखते हुए चुनाव लड़ रहे मुजफ्फरनगर में, कोई नहीं, मुजफ्फरनगर में कोई मुद्दों पर आधारित चुनाव नहीं है, सब जाति पर आधारित चुनाव है और कैंडिडेट को देखकर वो वोट दे रहे, कोई मुद्दे नहीं है। हमको कल सुबह उठे 4:30-5 बजे, आप छत्तीसगढ़ में थे? छत्तीसगढ़ में हम जाने में 5-6 घंटे लग जाते हैं, आए किलोमीटर दूर होगा, 2.5 किलोमीटर दूर, 4:30-5 बजे आने के 1 घंटा सोए, फिर उठिए, फिर